हेलो, मैं मेथी का पराठा बना रही हूँ। ये मैंने मेली मेथी ली है, अच्छे से साफ़ कर ली है, उसको फिर काट लिया है बारीक बारीक। फिर आटे में मेथी डाली है और उसके बाद थोड़ी प्याज डाली। प्याज इच्छा अनुसार है, बिना प्याज के बना सकते हो। और आटा ज़्यादा होना चाहिए और आटा कम और मेथी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी टेस्टी लगता है पराठा। नमक डाल लिया, गरम मसाला भी है, अजवाइन अजवाइन डाल लो थोड़ी सी। अब हम इस आटे को मेथी डाल दीजिए, मेथी ज़्यादा होनी चाहिए, आटा कम होना चाहिए। और अब हम इसको हल्का सा, ठंडा मौसम है तो हल्का सा गर्म पानी डाल के इसको गूंद ले रहे हैं बस। अब आटा गूंद गया है इस तरह से, हल्का सा घी लगाया। अब वो आपकी इच्छा है कि आप तिकोना बनाना चाहते हो या गोल, और बस ऐसे भी लो। अब मैं इस पे तेल लगा, घी लगा रही हूँ, देसी घी। वो आपकी इच्छा है कि आप किस, कोई भी रिफाइंड हो या सरसों तेल, किसी में भी आप बना सकते हो। मैं थोड़ा देसी घी बना के इसको बना रही हूँ, और आप इसको सॉस के साथ, उसके बाद सोधने की चटनी आप किसी के साथ भी खाइए, आप गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। मेथी का पराठा बनके तैयार। आप कभी बना के प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।